बिहार में रोजगार के नाम पर आए दिन फर्जीवाड़ा होते रहता है। ऐसा ही कुछ नया मामला उत्तर बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से निकल कर आया है। जी हां, जहां बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसमें कई लोगों ने अप्लाई भी कर दिया था। हालांकि जिसने ये काम किया वो गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि BREBU के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के लिए वैकेंसी निकालने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आशीष विवेक काजी मोहम्मदपुर थाना की पंखा टोली का रहने वाला है। पूछताछ कर उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है। उसने पुलिस पूछताछ में सॉफ्टवेयर बनाने की बात स्वीकार की है। बताया कि वर्ष 2020 में विक्रम और मनीष ने उनसे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए संपर्क किया था। विक्रम उस समय रजिस्ट्रार के ऑफिस में रेगुलर पद पर कार्यरत था और मनीष LNT कॉलेज में स्टाफ था। इन्हीं के कहने पर उसने फर्जी वेबसाइट बनाया था जिस पर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए उसे 50,000 रुपए भी दिए गए थे। लेकिन इस पूरे मामले पर जो थानेदार रामनाथ प्रसाद है वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। मामला यही है कि यूनिवर्सिटी में गलत आईडी से वैकेंसी निकाला गया था और उसमें जब वैकेंसी में लड़के रजिस्ट्रार से पूछने लगे वैकेंसी के बारे में तब जाके मामला हाईलाइट हुआ था और तत्कालीन रजिस्ट्रार थे कर्नल AK राय तो उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और प्राथमिकी दर्ज करा के आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी। उसमें हुआ क्या था कि दो लोग को हम लोग पहले गिरफ्तार किए थे जिसमें जो दोनों उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत थे और जो अभी पकड़ाया है एक उसका नाम है आशीष विवेक। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, MTech किया हुआ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने अपना स्वीकृति बयान में स्वीकार किया है कि हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आया था कि हमको सॉफ्टवेयर लेना है BREBU और स्टार के नाम से जिस पर वैकेंसी निकालना है, तब जाके वहीं गलत वैकेंसी निकाली गई थी और FIR दर्ज किया गया था। मुख्य साक्ष में सर क्या बताया है? इन्होंने साक्ष में अपना पूरा कबूल किया है कि हाँ हमसे एक सॉफ्टवेयर की मांग किया गया था क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अभी वर्तमान में भी सीतामढ़ी में एक कॉलेज से जुड़ा हुआ है और मुजफ्फरपुर में भी मोतिहारी में कुछ स्कूल कॉलेज और दुकानों में भी सॉफ्टवेयर बेचता है। तो इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि हाँ हमारा एक मेल आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जिसमें यह स्वीकार किया गया कि इसमें जिसमें हमको सॉफ्टवेयर खरीदने की बात की गई थी। दो नंबर इस्तेमाल कर रहा था। दोनों नंबर का हम लोग कैप निकाल रहे हैं। दोनों नंबर का एड्रेस अलग अलग लेकिन नाम एक ही है, पिता का नाम एक ही है। इसमें जब FIR हुआ था तो एक नंबर इन्होंने बंद कर लिया था लेकिन उस समय से एक नंबर चालू रखा था। हम लोग उसी से इसको ट्रैक किए और फिर जाके इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किए। और लोग को भी सॉफ्टवेयर दिए हैं क्या कुछ? हाँ, इन्होंने बताया कि हमने इसका लैपटॉप जो हम लोग खंगा रहे थे इसका पूरा लैपटॉप में इसका पूरा IP मिल गया जिस आईपी को यूज करके इन्होंने इस तरह की धंधा किया था। उस कंप्यूटर में बहुत सारे स्कूल्स के नाम है जिस पर इन्होंने सॉफ्टवेयर बेचता था। सॉफ्टवेयर का सर यहाँ क्या इस्तेमाल किया जाना था? नौकरी उकरी के लिए? हाँ, वैकेंसी उस समय निकाली गई थी लेकिन जो कि वैकेंसी रियल लेवल पर नहीं था या फेक लेवल पर था तो इसको भी पता चला मीडिया के माध्यम से कि हाँ FIR हो गया है तो कुछ दिन के लिए भाग गया था ये जम्मू कश्मीर, इन्होंने कन्फेस किया। आपको बता दें चले कि इस फर्जी वेबसाइट पर 3000 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी और करीब 2000 छात्रों ने अप्लाई भी कर दिया था। जब कुछ छात्र इसका पता लगाने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तब पता लगा कि मामला पूरी तरीके से फर्जी है। तत्कालीन रजिस्ट्रार कर्नल अजय कुमार ने FIR दर्ज करते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। IP एड्रेस समेत अन्य वैज्ञानिक तरीके से जाँच शुरू हुई जिसमें विक्रम और मनीष का नाम सामने आया जिसके बाद उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।